हेलो फ्रेंड, मैं मीना अपने किचन में सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज भरवा परवल की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ये बहुत ही ईजी तरीका है और इजी के साथ साथ में टेस्टी भी है, तो ज़रूर आप इसे इस टाइप से आप भी एक बार बनाइए और आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैंने लिया है ये परवल है, परवल मैंने 250 ग्राम लिया है फ्रेंड, और ये धनिया पत्ती है, थोड़ा सा धनिया पत्ती ले लिया है मैंने, और ये मिर्ची आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना, ये हरा मिर्च है क्योंकि हम हरा मिर्च और अदरक और लहसुन का ही पेस्ट बनाएंगे धनिया डाल के, तो मिर्ची मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ और अदरक मैं 2 इंच ले ली हूँ, और लहसुन जो है 2 गांठ ले लिया है लहसुन का मैंने, उसे मैंने छील लिया है, और ये थोड़ा सा हमारा गरम मसाला है फ्रेंड, और ये हल्दी पाउडर, और तड़के के लिए जीरा, और ये नमक और कुकिंग ऑयल। ये बहुत झटपट बन जाता है फ्रेंड, टेस्टी बनता है और बहुत झटपट जल्दी भी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पकाने में फ्रेंड। मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी है और इजी के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम बनाते हैं। ये जो हमारा परवल है उसे पहले हम छील लेते हैं फ्रेंड, छील के इसमें बीच से एक चीरा लगा देंगे, और ये धनिया पत्ती, मिर्ची और लहसुन और अदरक, इन सबको लेके हम पेस्ट बना लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड, सारे परवल को मैंने छील लिया है, अब इससे मैं चीरा लगा दूंगी, और मसाले के लिए हरा मिर्च को, और ये अदरक और लहसुन और धनिया पत्ती को हम इसमें सब डाल देंगे और इसे एक पेस्ट बना लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाला है फ्रेंड तभी ये पेस्ट बना, ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी डाल के आप बना सकते हैं। अब इसमें हम नमक और गरम मसाला को भी इसमें मिक्स कर देंगे, ये जो गरम मसाला है उसे, और नमक स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब उसके बाद ये परवल जो है उसमें हम चीरा लगा के इसमें इस मसाला को भरेंगे, हमें ये मसाला को भूनने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, हम ऐसे ही भरेंगे और उसके बाद हम इसे परवल को बनाएंगे सब्जी। देखिए फ्रेंड, ये जो परवल है इसे मैंने ये एक साइड ये चीरा लगा दिया है, और इधर आगे पीछे थोड़ा थोड़ा काट लिया है, और यहाँ पे बीच में हम चीरा लगा दिए हैं, और इस चीरा में हम मसाला भर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मसाला को हम यहाँ बीच में ऐसे भर देते हैं, और ऐसे ही सारे परवल में भर भर के हम रख देंगे। ये देखिए, ये बीच में जो चीरा लगा है वहाँ से हम मसाला भरेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड, फ्राई पैन को मैंने गरम करने रख दिया है, और ये देखिए सारे परवल में मैंने मसाला भर लिया है, हल्दी मैंने नहीं डाला है, अगर आप चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो, और ये फ्राई पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 3-4 चम्मच तेल डाल दीजिए, और तेल जब गरम होगा तो हम इसमें थोड़ा सा जो जीरा है, खड़ा जीरा उसे तड़के में डाल देंगे फ्रेंड। हमारा तेल को गर्म होने देते हैं, अभी गर्म नहीं हुआ है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं रहेगा तो आप थोड़ा सा धनिया पाउडर मिला सकते हैं इसमें, ये बहुत झटपट बन जाता है फ्रेंड। और इसका जो मसाला बचा है उसे आप फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी और आपको भरवा सब्जी खाने का मन करेगा, जैसे भिंडी है, करेला है, बैंगन है, तो आप उसमें भी भर के ऐसे ही बना सकते हैं फ्रेंड, इसमें एक अलग ही अच्छा फ्लेवर आता है। भरवा सब्जी तो कई प्रकार से बनता है, तो आप इस प्रकार से बना के देखिए, ये झटपट बनने वाला रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी होता है इसके साथ साथ, चटपटा टेस्टी। ये देखिए फ्रेंड, ये गरम हो गया हमारा तेल, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल के देखते हैं गरम हुआ है कि नहीं। देखिए गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं, और उसके बाद इसमें अपने परवल को डाल देंगे। परवल को एक एक करके धीरे धीरे इसमें रखिए, देखिए फ्रेंड सारे परवल को मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको मैं ढक्कन से कवर कर दूंगी और इसे थोड़ी थोड़ी देर में मैं चेक करते रहूंगी फ्रेंड, इसे थोड़ा पकने के बाद ही आप धीरे धीरे पलटाइए वरना मसाला निकल सकता है। अब थोड़ी देर बाद चेक करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब इसे हम पलट लेंगे, दोनों साइड से इसे हम सेक लेंगे, देखो हमारा दोनों तरह साइड से अच्छे से पक गया है, ऐसे ही दूसरे साइड को भी पकाना है, और उसके बाद फिर हम गैस बंद कर देंगे। अभी ये पका नहीं, थोड़ा सा और इसे हम पकने देते हैं, ये ढक्कन को बंद कर दीजिए और इसे पकने दीजिए 2-3 मिनट और। देखिए फ्रेंड, उसे हम चेक कर लेते हैं,
ये देखिए हमारा परवल अब पक चुका है। अब इसे आप गर्मा गर्म दाल और चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और जल्दी भी बन जाता है फ्रेंड। अब इसे मैं प्लेट में ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसे मैं निकाल ली हूँ एक प्लेट में सर्व करने के लिए। देखिए हमारा परवल कितना अच्छा बना है। आप चाहो तो इसे रोटी, पराठा या दाल चावल किसी के साथ भी खाइए फ्रेंड, या फिर आप टिफिन कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप टिफिन बना के इसे ले जा सकते हैं। ये ख़राब जल्दी नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स पर कीजिए। अब मैं आपसे फिर एक नई रेसिपी में मिलती हूँ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।